ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर देखेंगे तो मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, स्टोनोग्राफर Grade 2 की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, टेक्नीशियन की है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 निकल गई है। तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, सारी जानकारी आपको हमारे ब्लॉग प्रयागराज.com पर देखने को मिल जाएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इसकी डेट। यहां पर 7/2/2022 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके होंगे, उसके बाद लास्ट डेट 9/3/2022 है। एग्जाम की फीस जमा करने की लास्ट डेट 9/3/2022 है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड अभी शून्य है, क्लियर नहीं है। जैसे ही इसका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन डेट आ जाता है और किसी कारणवश आपको नहीं पता चलता तो आप हमारे इस ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, ट्वीट करें, तो उसकी जानकारी सिलेबस के साथ मैं आपको रीट्वीट के माध्यम से दे दूंगा और नई नई जॉब की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर आपको इंस्टाग्राम पर भी है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और नई नई जॉब की नोटिफिकेशन ले सकते हैं, जिससे आप आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, नई नई जॉब की वीडियोज के माध्यम से आप यहाँ अपडेट हो जाएं। और यहीं पर हमारा दूसरा चैनल है प्रयागराज अध्ययन, अभी हमने 26 जनवरी को स्टार्ट किया है। आपकी तैयारी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं इस जॉब की फीस की। तो जनरल OBC EWS वालों को 1300 रुपए देना है, SC ST वालों को 800 रुपए देना है, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को 800 रुपए देना है। इसके अलावा पैसे आप जमा करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। यदि आप कैश करना है तो MP ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फी है उसको कैश को के माध्यम से आप पैसे को जमा कर सकते हैं। अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो 9/3/2022 से आपकी एज गणना होगी, जिसमें न्यूनतम वर्ष 18 रखी गई है। टेक्नीशियन के लिए ये पोस्ट है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए न्यूनतम वर्ष 18 है और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए न्यूनतम वर्ष 21 है। दोनों के लिए, इन दोनों पोस्टों के लिए अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा और जो अन्य पद है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम 18 और 27 वर्ष रखा गया है। एज में जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो मध्य प्रदेश TFRI जबलपुर भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। अब आइए आगे देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे, टोटल पोस्ट है 42 और अब यहाँ देखिए कई पोस्ट है यहाँ पर, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, स्टोनोग्राफर Grade 2 की है, लोअर डिविजनल क्लर्क की है, टेक्नीशियन की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, ये कई पोस्ट हैं। साथ में इसके यहीं पर आप देखेंगे पोस्ट के सामने मैंने इसका जो है टोटल पोस्ट है वो ही, यहाँ पर पोस्ट नेम है, यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। साथ में अगर जैसे कि आप MTS के लिए जाएंगे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 10 आप भारत से किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप पास आउट होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जाएंगे तो 9 पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री आप किए होना चाहिए। इसके अलावा स्टोनोग्राफर Grade 2 के लिए जाएंगे तो भारत में किसी भी, यहाँ पर देखिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। स्टोनोग्राफर के लिए हिंदी इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, कोर्स टाइपिंग स्पीड 5 की जो है, डिप्रेशन प्रत्येक शब्द होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। देन आप यहाँ पर जाएंगे तो लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जाएंगे तो 9 पोस्ट है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 की परीक्षा पास आउट हो, टाइपिंग वो भी कंप्यूटर में, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और टाइपराइटर टाइपिंग में अगर आप जाएंगे तो 30 अंग्रेजी के वर्ड पर मिनट हो और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हो। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टाइपिंग एक कंप्यूटर पे भी होना चाहिए और आपका टाइप राइटर पे भी होना चाहिए, जो पुराने टाइम पे टाइप राइटर यूज होते थे। टेक्नीशियन के लिए जाएंगे तो 3 पोस्ट है, कक्षा 10 आप पास आउट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बर बढ़ई में ITI प्रमाण पत्र हो, कक्षा 10 के साथ आप उत्तीर्ण हो डिप्लोमा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 3 पोस्ट है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट आप पास आउट होना चाहिए, वानिकी प्रशिक्षण के साथ यानी कि फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग भी आपके पास होना चाहिए।
अब ये सारी जानकारी इसके जो इम्पोर्टेंट लिंक है इसके माध्यम से मैं आपको दे देता हूँ। ये ऑफिशियल लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर रिसिप्ट के ऊपर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसको आप अच्छे से रीड कर ले, ऑलरेडी मैंने सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है आपको, यहाँ पर भी वही सारी जानकारी आपको लॉन्ग में मिल जाएगी। सेवाओं के ऊपर आप जाएंगे, यहीं पर देख सकते हैं सेवा, सेवाओं के ऊपर जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको भरने का आएगा। कुछ जिस भी फॉर्म को भरना चाहते हो उसको क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेम, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारी सब कुछ डाल के अपना क्वालिफिकेशन, सिटी, एड्रेस वगैरह, कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल के आपको नेक्स्ट करके फॉर्म को भर लेना है। इनकेस कोई समस्या होता है तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा दूंगा। अब यही चीज आपको डायरेक्टली आपको डाउनलोड करना है तो यहीं पर क्लिक कर सकते हैं तो भी डाउनलोड हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो और आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देन लॉगिन करना है तो लॉगिन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालिए और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको प्लस कर दीजिए, जो भी प्लस माइनस हर बार अलग अलग हो जाता है। कंटिन्यू कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो ट्विटर पर, फेसबुक पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये सभी मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।